अगर आप पेट्स को पसंद करते हो तो हमारे चैनल पेट इन्फो को सब्सक्राइब कीजिए। आपका स्वागत है पेट इन्फो में, और आज हम देखेंगे डॉग वर्सेस डॉग का 73 एपिसोड। और इस एपिसोड में हम कॉकर स्पेनियल वर्सेस लैब्राडोर के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ओरिजिन, इंग्लिश कॉकर स्पेनियल का ओरिजिन यूनाइटेड किंगडम से है। ये स्पेनियल टाइप की डॉग ब्रीड है। जब इंग्लैंड में सभी स्पेनियल टाइप डॉग ब्रीड को डिवाइड किया गया था, तब उनमें टोटल 7 अलग ब्रीड्स थी। और इन ब्रीड्स में इंग्लिश स्प्रिंगर स्पेनियल, कॉकर स्पेनियल, क्लम्बर स्पेनियल, ससेक्स, वेल्स स्प्रिंगर स्पेनियल, फील्ड स्पेनियल और आयरिश वाटर स्पेनियल मौजूद थे। और उस दौरान स्प्रिंगर स्पेनियल और कॉकर स्पेनियल को एक ही टाइप के ब्रीड में गिना जाता था। और बाद में 1892 में इंग्लैंड के कैनल क्लब ने उन्हें अलग अलग टाइप के ब्रीड में मान्यता दे दी। कॉकर स्पेनियल गन टाइप की डॉग ब्रीड है, मतलब पहले इनका इस्तेमाल शिकार को ट्रैक करने के लिए या उन्हें बाहर निकालने के लिए किया जाता था। कॉकर स्पेनियल का नाम वुड कॉक बर्ड के ऊपर रखा गया है। लैब्राडोर डॉग को पहले कनाडा में ब्रीड किया गया था, और इस ब्रीड के फाउंडर जॉनसन वाटर ने 1822 में पहले लैब्राडोर डॉग ब्रीड किया। पहले इस डॉग का इस्तेमाल फिशरमैन की हेल्प करने के लिए किया जाता था। गार्डिंग एंड सोशलाइजेशन, कॉकर स्पेनियल के टैलेंट देखे तो ये डॉग्स रिट्रीविंग, एजिलिटी, ट्रैकिंग और वॉच डॉग होते हैं। कॉकर स्पेनियल अच्छे वॉच डॉग और ट्रैकिंग के मामले में अच्छे होने के कारण इनका इस्तेमाल पुलिस फोर्स में किया जाता है। अगर आप फर्स्ट टाइम ओनर हो तो आपके लिए डॉग ब्रीड अच्छी है। कॉकर स्पेनियल फैमिली फ्रेंडली डॉग ब्रीड है, और ये डॉग्स इंटेलिजेंट, प्लेफुल, क्वाइट, ट्रेनेबल और फ्रेंडली होते हैं। ये स्मॉल टू मीडियम साइज की डॉग ब्रीड है, तो ये मीडियम साइज के घर में आसानी से रह सकते हैं। कॉकर स्पेनियल को एटलीस्ट 30-40 मिनट्स तक एक्सरसाइज करवाना चाहिए। लैब्राडोर रिट्रीवर वर्ल्ड की फैमिली डॉग रैंकिंग लिस्ट में नंबर 1 पर है। ये डॉग्स जितने फैमिली फ्रेंडली होते हैं उतने ही प्रोटेक्टिव एंड गुड गार्ड डॉग भी होते हैं। और ये डॉग्स छोटे बच्चों के साथ और फैमिली के साथ आसानी से घुल मिल कर रहते हैं। ये मीडियम साइज की डॉग ब्रीड है, और ये डॉग्स अपार्टमेंट या फिर मीडियम साइज के घर में आसानी से रह लेते हैं। लैब्राडोर डॉग वर्ल्ड की इंटेलिजेंस रैंकिंग लिस्ट में नंबर 7 पर है, इसलिए इनका इस्तेमाल मिलिट्री या फिर पुलिस फोर्स में किया जाता है। कलर्स एंड शेडिंग, कॉकर स्पेनियल डॉग ब्लैक, ब्लैक एंड टैन, ब्लू रॉन, गोल्डन, लीवर और रेडिश कलर में पाए जाते हैं। इनका हेयर कोट लॉन्ग और सिल्की होता है, और इनके पीठ पर मीडियम सॉफ्ट हेयर का कोट होता है। कॉकर स्पेनियल को ज़्यादा ग्रूमिंग की ज़रूरत होती है। इनको हफ्ते में एटलीस्ट 3-4 टाइम ग्रूमिंग करवाना चाहिए। इनका शेडिंग सीजन 5-6 मंथ में आता है। लैब्राडोर डॉग ब्लैक, चॉकलेट और विटन कलर्स में पाए जाते हैं, और इनका कोट शॉर्ट होता है, इस वजह से इन्हें मेंटेन रखना आसान होता है। और इनका शेडिंग सीजन 6-8 मंथ में आता है। मेंटेनेंस, कॉकर स्पेनियल का मेडिकल प्लस फूड प्लस ग्रूमिंग का खर्चा पर ईयर एवरेज 15,000 से लेकर 25,000 तक आता है। लैब्राडोर का मेडिकल प्लस फूड प्लस ग्रूमिंग का खर्चा पर ईयर एवरेज 17,000-20,000 तक होता है। हाइट, कॉकर स्पेनियल की एवरेज हाइट 14-17 इंचेस होती है। लैब्राडोर की एवरेज हाइट 21-23 इंचेस होती है। वेट, कॉकर स्पेनियल का एवरेज वेट 12-16 केजी तक होता है। लैब्राडोर का एवरेज वेट 25-34 केजी तक होता है। लीटर साइज, कॉकर स्पेनियल की लीटर साइज एवरेज 6-8 पपीज होती है। लैब्राडोर डॉग की लीटर साइज 5-10 पपीज तक होती है। लाइफ स्पैन, कॉकर स्पेनियल का लाइफ स्पैन 12-15 ईयर्स तक होता है। लैब्राडोर का लाइफ स्पैन 10-12 ईयर्स तक होता है। प्राइस, कॉकर स्पेनियल की एवरेज प्राइस अप टू 20,000 है। लैब्राडोर रिट्रीवर की प्राइस 8,000 से लेके 15,000 तक है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का डॉग वर्सेस डॉग का 39 एपिसोड? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपने इसमें से कौन से डॉग को चूज़ किया, और हमारे चैनल पेट इन्फो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।